हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू ट्यूटोरियल ऑफ द एंगुलर हिंदी। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इवेंट बाइंडिंग के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में बनाया मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग, आज बताऊंगा इवेंट बाइंडिंग। इवेंट बाइंडिंग इज अ वे टू हैंडल यूजर इंटरेक्शंस। कैसे? जैसे आपने बटन क्लिक कर लिया, आपने इनपुट चेंज की, आपके माउस इवेंट, कीबोर्ड इवेंट्स, ठीक है, बाय इनवोकिंग अ फंक्शन इन द कंपोनेंट्स टाइपस्क्रिप्ट कोड। ठीक है, इवेंट बाइंडिंग इज डिनोटेड बाय यूजिंग द पैरेंथेसिस square these brackets like within the HTML code, the name of the event inside the parentheses, and the function is to call specified components in the TypeScript code. Suppose मान लो कि मेरा ये function है handle button click का, इसको मैंने use किया यहाँ पे, कहाँ है component, ठीक है, मैंने इसके अंदर एक function बना के इसको use किया, handle button click, ठीक है, console dot button click. अब एक मेरा ये तो मैंने फंक्शन बनाया, अब इसका इवेंट क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, इवेंट बाइंडिंग में क्या करूँगा, एक मेरा बटन यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे बटन बनाया मैंने अपने एचटीएमएल कोड में। ठीक है, मैंने बताया क्लिक इवेंट है, मैंने ये बताया था ये वाली ब्रेसिस जो है यूज होंगी। फंक्शन क्या है यहाँ पे, हैंडल बटन क्लिक, तो जब भी बटन के क्लिक करूंगा तो ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, तो ये इवेंट यहाँ पे बाइंड होगा। जब भी मैंने बटन प्रेस किया मैं कुछ भी एक्शन परफॉर्म करा सकता हूँ, वेदर एक फॉर्म सबमिट करा लिया, वेदर मैंने कुछ और लोकल स्टोरेज में सेव कर लिया, मैंने कुछ और वैल्यू सेट कर दी, उस तरीके की फंक्शनैलिटी जो है हम जब क्लिक करेंगे माउस का इवेंट या कीबोर्ड प्रेस करेंगे या ऑन चेंज, ठीक है, वो सारी जो फंक्शनैलिटी होती है क्लिक की, वो ऑन माउस, ऑन की अप, ऑन की डाउन, सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पे लिखते हैं वो होती है इवेंट, क्योंकि क्लिक एक इवेंट है, ऑन की अप इवेंट है, ऑन की डाउन इवेंट है, तो ये सारे क्या है आपके इवेंट्स है माउस के, कीबोर्ड्स के। ठीक है, उन सब इवेंट्स पे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है कम, तो हम क्या करते हैं इवेंट बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, अब हैंडल क्लिक का बटन है, जब भी मैं क्लिक करूंगा तो मेरे को क्या कंसोल लॉग होना चाहिए, बटन इज क्लिक्ड, तो चला के देख लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा बटन इज क्लिक्ड का बटन, ये रहा क्लिक में, कंसोल में जाते हैं। ठीक है, क्लिक मी, बटन इज क्लिक्ड, क्लिक मी टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, ये आप देख सकते हो, थ्री टाइम्स, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स। ठीक है, तो इस तरीके के इवेंट परफॉर्म करने हैं आपने, तो उसको हम कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, आपने यहाँ पे सीधा फंक्शन डिफाइन किया। ठीक है, उसके बाद जो आपने एचटीएमएल लिखी है यहाँ पे, वेयर इट इज, ये बटन क्लिक, ठीक है, क्लिक बटन करते ही वो फंक्शन जो भी यहाँ पे लिखा है आपने कॉल किया है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कोई इवेंट भी पास कर सकते हो, उसकी वैल्यू गेट कर सकते हो, इनपुट लगा के उसकी वैल्यू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से गेट कर सकते हो। ठीक है, उस तरीके की चीज़ से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, जैसे कि अब हमारे पास ये है टारगेट वैल्यू वाला पॉइंट। ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इनपुट की वैल्यूज गेट करना है इसके अंदर। ठीक है, वो थोड़ा सा केस हैगा। ठीक है, तो ये है आपकी इनपुट, सॉरी इवेंट बाइंडिंग। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी इश्यू है, कोई भी क्वेरी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।